इट्स जस्ट टू बी क्लियर द पार्ट इज नॉट इकोनॉमिक्स, इट इज इंडियन इकोनॉमी. तो इकोनॉमिक्स के सारे जितने फंडे हैं वो सारे क्लियर करने की जरूरत नहीं है. प्रिलिम्स में देर इज अ मिक्स, अ वेरी हेल्दी मिक्स ऑफ बोथ कंसेप्चुअल क्वेश्चंस एंड क्वेश्चंस दैट आर फ्रॉम करंट अफेयर्स. इंडिया कितना एक्सपोर्ट कर रहा है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्ट कौन सा इंडिया में आ रहा है, इज इंडिया द हाइएस्ट एक्सपोर्टर ऑफ आई थिंक शुगर का क्वेश्चन आया था इन 2019 या शुगर या किसी का, वॉट इज इंडियाज हाइएस्ट इम्पोर्ट कमोडिटी. वेजिटेबल ऑयल्स है आई थिंक, वो मोस्ट लोगों को पता होगा, पाम ऑयल एक्सेट्रा. हाँ, एंड सो दीज आर ऑल थिंग्स दैट आर इन द न्यूज़ पेपर एवरी डे. ये जो करंट अफेयर्स मैगजीन आप यहाँ पढ़ेंगे उसमें भी ये सारा डेटा अवेलेबल होगा. तो यू नीड टू बी श्योर कि आपको ऑल ऑफ दिस डेटा इज ऑन योर टिप्स. जो भी करंट अफेयर्स में रेपो रेट आ रहा है, कितना पहुँच गया है, इंडिया के इम्पोर्ट्स एक्सपोर्ट्स कितने हैं, बैंकिंग में कोई नया एक्ट आई है, फाइनेंशियल रेगुलेटर आरबीआई सेबी का क्या फंक्शन है. सो फॉर इंस्टेंस एक एनबीएफसी क्राइसिस हुआ था अराउंड 2 साल पहले. एनबीएफसी क्राइसिस में वन ऑफ द बिगेस्ट इशूज वॉज कि क्या आरबीआई का जॉब है कि क्या सेबी का जॉब है. अब इसके ऊपर द वेरी नेक्स्ट ईयर इन 2021 देर वॉज अ क्वेश्चन ऑन द रेगुलेटरी पावर्स ऑफ आरबीआई, ऑन द डायरेक्टर ऑफ आरबीआई एंड वॉट पावर्स दे हैव. सिमिलरली इन 2022 देर वॉज अ सिमिलर क्वेश्चन ऑन सेबी. तो ऑल ऑफ दीज थिंग्स बिकम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर कमिंग फ्रॉम द न्यूज़ पेपर. ये चीज़ें आपकी स्टैटिक बुक्स में भी दी गई होंगी बट द कॉन्टेक्स्ट इज कमिंग फ्रॉम द न्यूज़ पेपर और द करंट अफेयर्स मैगजीन. तो इफ यू गाइज आर डूइंग दिस प्रॉपरली यू विल हैव अ मतलब इट विल बी नॉट केक वॉक बट इट विल बी रिलेटिवली इजियर फॉर यू टू answer the questions they're asking in both prelims and mains. Economy ke liye the books that I used, ek Sanjeev Verma hai, unki maine ek book use ki thi, and ek Vikas Singh hai, unki maine book use ki thi, great for concepts and conceptually jisko bhi difficulty understanding mein, I'm sure you are very qualified teachers over here, they'll help you out. Get the concepts right. Agar koi pooch le ki bond price badhega, agar dollar ka price girega, aisa kuch question aa jaye, you should not get these questions wrong. Economy is a major, major part of the syllabus. And concept should be very clear, data should be very clear. And matlab the general wisdom about this exam that in, if you ask anyone who's cleared the prelims, wo sab log yahi bolenge, static ke questions aap galat nahi kar sakte. Current ke to sabke liye random hai, but static ke aap galat nahi kar sakte. Static mein sabse bada chunk hai polity ka, environment ka aur economy ka. In teen ke questions agar aap galat kar rahe hain, then clearing prelims will be a difficult task.